नीची बाग है, उसमें आम के पेड़े, खजूर के पेड़े, लंबा पीला और साधने का है। ये सर रॉयल फैमिली का शमशान घाट है। राजा की फैमिली किसी में डरते यहाँ पे लाके जला जाता है। अभी 3 महीने उची राजा की फैमिली किसी में डरते यहाँ पे लाके जलाया हुआ है। पत्थर इकट्ठे हुए ना यहाँ पे लाके जलाया हुआ है। 1 साल के बाद यहाँ पे चबूतरा बनेगा, छोटा चबूतरा यहाँ पे 1 साल के बाद यहाँ पे चबूतरा बनेगा, बेटा बनेगा। पोते की शादी तो बड़ी बनती है। अभी यहाँ के राजा है महाराज बिजराज सिंह जी, उसने शादी करी तब ये बड़ी बनाई है, बैठे ना वो पोते ने बड़ी बनाई है। अभी महाराजा के 2 लड़के उनको बोलते हैं पोते, पोतों ने शादी नहीं करी। दो छोटा चबूतरा बाकी है। अभी महाराजा के 2 पोते शादी करेंगे ना, छतरी बनाएंगे बड़ी, 2 छतरी कंप्लेन नहीं है। मटके देखे ना, मटके क्यों रखे गए, पेल्टे भी यहाँ के राजा थे ना, जहाँ यहाँ का पानी साथ रहते अभी डाला हुआ है, 15 दिन में पानी डालते, 1 महीने में सूख जाता है, वो राखी बनाते हैं तो मटका तो उसमें चेंज करते हैं। आप टॉप में पतला सा गुम्बद पड़ते हैं, टॉप में पतला सा गुम्बद नीचे मार्बल मूर्ति है। गुम्बद मूर्ति रख देना, पहले पूजा पाठ होती है, बाद में जैसे में जितनी पब्लिक है ना उनको खाना खिलाना पड़ता है। अभी ज़्यादा पब्लिक वगैरह नहीं खिला सकते, अभी मतलब इस दोनों पर नहीं लगी, मटका और तस्वीर रखी गई है। महारावल जोहर सिंह जी, महाराजा गिद्ध सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी और पुत्र सिंह जी आगे चले गई न्यूजी में। 7:30 फीट आई थी न्यूजी में। इस महाराजा की नाइट ड्रेस है महारावल शालीवान सिंह जी की। यहाँ पे 2003 में आए थे अमिताभ बच्चन, उसने नाइट ड्रेस पहन कर फोटो खिंचा था महारावल शालीवान सिंह जी। नीचे शासन का लिखा रूलिंग पेज। ये टूटी हुई छतरी देखे, गुजरात में 2001 भूकंप आता अर्थ कोई, तब यहाँ पे आता 5 छतरी गिर गई, 1-4 आगे है। ऊपर छतरी का सर पुरानी वाली है, पुरानी वाली छतरी, नई वाली गिर गई, नई वाली क्या सीमेंट यूज करा हुआ है। ऊपर छतरी उसमें जॉइंट सिस्टम दिया हुआ है। नीचे वाली छतरी का मुगल आर्किटेक्चर है, ऊपर छतरी हिंदू आर्किटेक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे 20-25 पिक्चर बन चुकी है, कच्ची धागी, रुदाली, टसन, नाने जैसलमेर, मेला, लम्हे, 20-25 पिक्चर यहाँ पे हो चुकी है। कच्ची धागी हमने देखी थी, यहाँ पे 20-25 पिक्चर बन चुकी है। अभी व्हील मिल देख रहे हैं, पंखों के कारण शूटिंग ज्यादातर नहीं होती है यहाँ पे। सबसे पहले जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, जैसे जयपुर पिंक सिटी है, जोधपुर सन सिटी है, उदयपुर लेक सिटी है, जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, क्योंकि पत्थर का कलर गोल्ड कलर है, इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। अभी जो देखे अपन गोल्डन फोर्ट सोनार किला है, इस किले का पुराना नाम था त्रिकूटगढ़, क्योंकि त्रिभुजा का पहाड़ी के बना हुआ है। लेकिन 1971 में एक बंगाली दादा फेमस डायरेक्टर सत्यजीत रे ने पिक्चर का शूटिंग किया था सोनार किला, उसके बाद इसका नाम सोनार किला धर दिया गया है। सोनार किला से लेकर पत्थर का किला सोने का है, तो उसका नाम सोनार किला रखा हुआ है। इस किले का निर्माण किया था महारावल जैसल देव ने, इस किले के निर्माण महारावल जैसल देव ने 12 जुलाई 1156 में 1156 में किया था, यानी 856 साल पुराना किला है। उस किले की एक मेन विशेषता है, अभी भी स्पोर्ट के अंदर में 4000 पब्लिक रहती है, 4000 इसमें 4000 लोग रहते हैं, 500 मकान है, बाड़ी है, 50 होटल है, 30 रेस्टोरेंट है, 200 दुकान, पूरा सिटी फोर्ट के अंदर बसा हुआ है। राजस्थान के अंदर ऐसे 2 फोर्ट जहाँ पब्लिक रहता है, फर्स्ट फोर्ट है चित्तौड़गढ़ और सेकंड में जैसलमेर का फोर्ट है। और राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ का, उसका जो एरिया है करीबन 13 किलोमीटर फैला हुआ है, जबकि जैसलमेर का फोर्ट है ये 5 किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। इस किले के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से 80% ब्राह्मण लोग रहते हैं और 20% राजपूत लोग रहते हैं। ब्राह्मण जो राजा के समय पूजा पर कमाते थे और इसीलिए इसका नाम हो गया मुकुलवाड़ी। हाँ, मुकुलवाड़ी भांग गया। अभी तो उस टाइम 1971 का ओल्ड पिक्चर था, अभी टूटा फटा भांग गया। उस टाइम पूरा एक टैंक नहीं था, ये टैंक नहीं था, और ये पीछे सीढ़ी आती है जहाँ से मुकुल भागता है, और पीछे बंद कर दिया कि पीछे बाड़ी आ गया। ये सीढ़ी आती है, किसी से सीढ़ी है, किसी से सीढ़ी है, ये
ये सीढ़ियां है, जब मुकुल उसके पीछे जो सोना अच्छा, मुकुल जो था उसको मुकुल इधर से भागता है, उसको पिताजी उसका सोना सपना आता है, उसका पिताजी सोना के लिए भूत रहता है, ये सब किन किन का घर है, ये सब लोग रहता है उनका बाड़ी सब। इधर मेरे बंगा दादा दुकान है, बंगा दादा का बहुत अच्छा दुकान है, पत्थर बाटी का गुवाहाटी का है, इधर जल तक हुआ, इधर राजा कबाड़ी है, रानी कबाड़ी है, तो लेकर सामने से पूरा है, राजा कुर्सी ले लो, राजा कुर्सी, राजा का ये कुर्सी ले लो, राजा का दशहरी धर्मों को मेले का उधर बैठता राजा, नीचे सीढ़ी की राजा के गए भी लोग बैठा मंदिर लोग, रानी कवाड़ी उड़ादा कवाड़ी, रानी कवाड़ी इसमें मंदिर कवाड़ी, राजाओं के बच्चों का पहले लड़कों का, राजाओं के बच्चों को पढ़ाई लिखे देता था, स्कूल था राजा के बच्चों का स्कूल, एक तो पटवा हवेली जो वर्ल्ड फेमस हवेली, सोना किले से बेचा हवेली, पटों पटों की हवेली, पटवा हवेली बेस्ट हवेली, एक तो पटवा हवेली, एक तो राजा के दीवान नथमल का हवेली, और तीसरा अभी जो राजा था उसका पहले तीन पॉइंट सोना किले के बाहर है, पटवा हवेली है सामने, बड़ा बिल्डिंग देखा है ये पटवा हवेली, वो सामने स्टेशन जैसे का रेलवे स्टेशन है, इंडिया का सबसे लास्ट स्टेशन यही है इंडिया का, आगे वो स्टेशन ही है क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर है, कि पाकिस्तान बॉर्डर 150 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर, वो गड़ी से लेक आते तालाब, वो सीधा रोड जाता है स्टेट बाद में गुजरात अहमदाबाद इधर जोधपुर की तरफ, राजा दीवान सालम सिंह हवेली, हाँ कोशिश करते थे उसके पत्थर फेंकते थे, अलाउद्दीन खिलजी किस तरफ से अटक किया था, हाँ चारों तरफ राउंड में घेर कर खड़ा, अच्छा और जो यहाँ पर पब्लिक खड़ी है स्टेशन ही खड़े होते थे, ऊपर कोई आदमी जाता उसके ऊपर पत्थर फेंकता था, कोई स्टेशन नहीं बना हुआ है जितने भी इसमें और समय सैनिक रहते थे, तो बाहर से दुश्मन आते थे उसमें नजर रखने के लिए, किसी होटल बना दे किसी घर बना दे किसी रेस्टोरेंट ऊपर से आपको पूरा गोल्डन ताकि दुश्मन नीचे फिसल कर गिर जाए ऊपर ना चढ़ सके, वो इसके लिए तो फायरिंग करते थे, बढ़िया सवाल लास्ट बोल गाड़ा आप उधर जाओगे वैसा पापा गाड़ा उधर ही जाओगे इंडियन नागरिक व्यवस्था तिमोज योग्य।
मोहम्मद के मदरेस में पना तुहारी रात को रात जली बहते जान सुनी जाते सैयद ने सोनेरी धरती जटे मारो रंगीलो रस्सी भरियो